हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं बनाने वाली हूँ मेरी फेवरेट फिश भापा इलिश माछ। मैं एक बंगाली हूँ तो मुझे ये फिश मेरा फेवरेट है। तो मैं अभी फिश को मैरिनेट कर रही हूँ, नमक और हल्दी लगा के अच्छे से फिश को मैरिनेट करके मैं इसको ढक के एक घंटा के लिए रख दूँगी। ये फिश मानसून सीजन में ही दी बेस्ट मिलता है, बहुत ही बढ़िया टेस्ट है। जो लोग बंगाली व्यूअर्स है, जो लोग देख रहे हैं ऐसे में, आप लोग अगर नॉन बंगाली भी हैं तो ज़रूर आप ये फ़िश को ज़रूर ट्राई करें। भापा इलिश माछ और गरम स्टीम्ड राइस, तो वाह, कुला जवाब। अब मैं मसाला रेडी कर रही हूँ। मसाला के लिए मैंने यहाँ पे मस्टर्ड सीड्स और ग्रीन चिलीज मैंने धो लिया था स्ट्रेनर से पहले, फिर उसको अब मैं पेस्ट बनाऊँगी। फिर पेस्ट बनाने के लिए हल्का सा गरम पानी आप ऐड कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, ताकि ये थिक एक गाढ़ा मसाला बना सके। मसाला मेरा रेडी हो चुका है। तो अब मैं एक कढ़ाई ले रही हूँ, कढ़ाई में मैं पानी ऐड करूँगी और पानी को मैं गरम होने के लिए यहाँ पे 5 मिनट ढक दूँगी। जब पानी एकदम 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट में आ जाएगा, ये देखिए आ गया 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट में, अब मैं इसमें मैरिनेटेड फिश ऐड कर रही हूँ। ये फिश हम लोग स्टीम करके बनाएंगे। ये मैंने फिश पीसेस ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें वो मसाला ऐड करने वाली हूँ, मस्टर्ड सीड्स और ग्रीन चिली पेस्ट का। फिर मैं ऐड करूँगी इसमें थोड़ा हल्का सा हल्दी और नमक स्वाद अनुसार। फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मस्टर्ड ऑयल, ये मस्ट है भापा इलिश बनाने के लिए। ये प्रोसेस ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर में और बताइएगा। ये भापा इलिश, फिर मैं इसमें ग्रीन चिलीज ऐड कर रही हूँ। मैंने स्लिट कर लिया है ग्रीन चिलीज बिटवीन से, फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसका जो एक फ्लेवर है ना, ऑसम, वो मतलब लाजवाब। फिर मैं अभी इसमें राइस बना रही हूँ, क्योंकि ये स्टीम्ड इलिश माछ हॉट स्टीम्ड राइस के साथ ही मज़ा आता है खाने में। तो बस जल्दी जल्दी मैं राइस भी तैयार कर रही हूँ डिनर के लिए, क्योंकि मछली के साथ कोई दूसरा कॉम्बिनेशन जमता नहीं है। वाइट प्लेन राइस के साथ ही ये सबसे ज़्यादा मज़ेदार खाने को लगता है। आप लोग घर में ज़रूर ये रेसिपी अगर ट्राई कीजिएगा तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग को कैसे लगा ये रेसिपीज़। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। ये मैंने अच्छे से राइस को धो रही हूँ। मैं यहाँ पे 2 से 3 बार मैं राइस को अच्छे से ठंडे पानी में इसको पहले वॉश कर रही हूँ। फिर अब मैं, तो जब पानी गर्म हो जाए प्रेशर कुकर में, फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अपना राइस और फिर मैं इसको इसका ढक्कन लगा दूँगी और वेट करूँगी जब तक ना राइस मेरा बन के रेडी हो जाए। तब तक मैं देख लूँगी कि मेरा फिश कितना दूर रेडी हुआ है। और ये जो भापा इलिश माछ मैं बना रही हूँ ये मीडियम फ्लेम में मैं कुक होने दिया है। अभी भी थोड़ा सा टाइम लगेगा इलिश माछ रेडी होने में, पर इसका जो एरोमा जो निकल रहा है ना, वो बहुत ही बढ़िया है। तो हो गया मेरा भापा इलिश रेडी। ये देखिए गर्मा गर्म यमी यमी सा एकदम रेडी हो गया मेरा भापा इलिश। खाने में बहुत ही मज़ेदार हुआ था, सच मानिए।
तो अभी मैं प्लेटिंग कर रही हूँ अपने लिए डिनर का। थोड़ा सा लंच के टाइम मैंने थोड़ा सा भुजिया बनाया था इसके साथ, आलू भिंडी का भुजिया, वो भी मैंने ले लिया, और फिश ले लिया। इसमें थोड़ा सा करी भी मैं ऐड कर रही हूँ। खाने में ज़बरदस्त हुआ था, सच बोल रही हूँ। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, और रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप।